मॉनसून आया है, मूसलाधार मुसीबत लाया है। अभी तो मॉनसून की एंट्री हुई है, पूरा सीजन बाकी है, सारी भविष्यवाणी लगता है फेल हो गई। कहा जा रहा था कि धरती सूखी रह जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे से बरस रहे मॉनसून के बादलों से हाहाकार मच गया। हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेकर असम तक मॉनसून की भारी बारिश में सब पानी पानी हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन पूरे देश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो क्या जाते जाते जून बहाएगा और जुलाई में जलजला आएगा? देखिए हमारी रिपोर्ट। देर से ही सही, मॉनसून आया तो ऐसा बरसा कि नदियों में उफान आ गया। कई शहर पानी पानी हो गए। पहाड़ों पर दरकने लगी चट्टान, डूब गए रेलवे ट्रैक, हाईवे पर गिरी चट्टान, सड़कों पर आया सैलाब। उत्तर भारत में अगले 48 घंटे भारी हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसूनी बादलों ने अपना डेरा डाल दिया है। हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर बंगाल तक घनघोर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में मानसून फुल एक्टिव हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 4 से 5 दिन पूरे देश में मॉनसून पीक पर होगा। देश के 23 जिलों में झमाझम बारिश होगी। साउथ ईस्ट मॉनसून देश में और कुछ हिस्सा में आगे बढ़े हैं, जैसे कि गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सा, एंटायर महाराष्ट्र, एंटायर मध्य प्रदेश, एंटायर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ जम्मू और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में मॉनसून आज प्रवेश कर चुके हैं। हमारा जो पूर्वानुमान है, साउथ ईस्ट मॉनसून का प्रोग्रेस जारी रहेगा और अगले 2 दिन में गुजरात और राजस्थान के कुछ और हिस्सा, पंजाब और हरियाणा का और कुछ हिस्सा में मॉनसून आगे बढ़ेगा। मॉनसून अभी सक्रिय है और इसके साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो फॉर्मेशन हुआ था नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और रेड जोनिंग उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास, आज वो एक लो प्रेशर एरिया जैसे नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और रेड जोनिंग एरियाज ऑफ नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट के ऊपर केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा पे सेंट्रल इंडिया की तरफ गति करेगा। ऐसे कंडीशन पे मॉनसून का स्थिति अगले 5 दिन के लिए अच्छा रहेगा। दिल्ली और मुंबई में मॉनसून ने एक साथ एंट्री मारी है। दिल्ली में मॉनसून की पहली बरसात में सड़कें डूब गईं। हालांकि संडे होने की वजह से ट्रैफिक जाम से लोगों को नहीं जूझना पड़ा, लेकिन सड़कों पर पानी भरने से मुसाफिरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने आई एक महिला सड़क पर हुई वाटर लॉगिंग में करंट की चपेट में आ गई और उसकी जान चली गई। महिला का नाम साक्षी आहूजा था। दिल्ली के सफदरजंग में 47.2 मिलीमीटर, पालम में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली घंटे भर की बारिश में दरिया बन जाती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटे जोरदार बारिश का अंदेशा जताया है।
दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद। ऐसे में सोमवार को जब दिल्ली एनसीआर के लोग काम पर निकलेंगे तो सड़कों पर वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जाम से घंटों जूझना पड़ सकता है। मुंबई में कुछ ऐसा ही हाल है। पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर हो रही बरसात से मुंबई घुटनों तक डूबी है। मुंबई सिटी 104 मिलीमीटर, ईस्टर्न सबर्ब 123 मिलीमीटर, वेस्टर्न सबर्ब 139 मिलीमीटर। इतनी बारिश के बाद मुंबई लबालब है। सबवे अंडरपास में पानी भरा है, निचले इलाके पूरी तरह से डूबे हैं, सड़कों पर आए सैलाब में गाड़ियां आधी डूबी हैं, समंदर के किनारे तेज लहरें उठेंगी। भारी बारिश से घाटकोपर में एक दो मंजिला इमारत गिर गई, जहां रेस्क्यू का काम चल रहा है। आज मैंने सरप्राइज विजिट की हुई है, कोस्टल हाईवे पर गया था, वहाँ दो स्पॉट मैंने देखे। ये मिलन सबवे है, यहाँ थोड़ी भी बारिश होती है तो यातायात रुक जाती, ट्रैफिक जाम होती, लेकिन 70 mm बारिश एक घंटे में गिरने के बावजूद आज यहाँ पर ट्रैफिक आप देख रहे हैं स्मूथ शुरू है। और इसका मतलब क्या है, यहाँ जो पानी जमा होता है वो पानी पंप करके इस बाजू के नाले में पाइपलाइन द्वारा स्टोरेज टैंक में जाता है और वहाँ से वो समुंदर में जाता है। जब हाई टाइड होता है तो पानी बैक नहीं मारना चाहिए, इसलिए फ्लडगेट भी लगाए हैं और ये सिस्टम बराबर कार्यरत है। ऐसी सिस्टम पूरे मुंबई में लगाने की सूचना ऑलरेडी पहले दे दी है। हर साल मानसून आता है और बीएमसी के इंतजामों की पोल खोल देता है, नाले सड़कों पर बहने लगते हैं। इस बार मानसून की मार से मुंबईकरों को बचाने के लिए बीएमसी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। महाराष्ट्र में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई में पहले बरसात में ही कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति नजर आई। ऐसे में बीएमसी की तरफ से तैयारियां जमीनी स्तर पर पूरी कर ली गई हैं। बीएमसी के वॉर रूम में हम मौजूद हैं। ये वो डिजास्टर कंट्रोल रूम है जहां पे सैकड़ों कॉल अटेंड किए जाते हैं, उन लोगों को मदद दी जाती है जो इस पूरे मानसून के दौरान किसी मुश्किल से गुजरते हैं। खास तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस पूरे डिजास्टर रूम में यहाँ पर 10 LED स्क्रीन्स जो हैं उसके सेक्शंस ओपन किए गए, स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ जहाँ पर CCTV कैमरास हैं। अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है तो लोगों को तुरंत मदद दिलाने के लिए सीधे ही वॉर रूम में फ़ोन किया जाता है, जिसके बाद लोगों तक मदद मिल पाती है। 1916 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, कई वॉर रूम बनाए गए हैं, 10 LED स्क्रीन से हालात पर नजर रखी जा रही है, NDRF SDRF अलर्ट पर है। हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का वार रूम परेल में भी है, वहां पर भी 300 कॉल आए, दोनों जगह एक ही व्यवस्था है। कोई भी कॉल आता है तो तुरंत वो वार्ड में या फायर ब्रिगेड में या जहां भी जरूरत है वहां पर भेज दिया जाता है मैसेज, और उसके बाद में उसके बारे में फॉलोअप किया जाता है कि वहाँ पर व्यवस्था पहुंची कि नहीं पहुंची। नियर बाय इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, जैसे आपका अगर फायर ब्रिगेड से संपर्क करना है या फिर लोकल पुलिस से करना है या वार्ड ऑफिस से करना है तो आपको इमीडिएट उस ऐप पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप पे मिलेगी। ये तो मानसून के सीजन की शुरुआत है, अभी तो पूरा जुलाई बाकी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, यहाँ पर अगले 48 घंटे मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। आज जैसे कंडीशन है इसमें बारिश जारी रहेगा, हम भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में हाईएस्ट रेनफॉल 5 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुआ है 8:30 बजे तक, और बारिश भी कुछ इलाके में जारी है। आइसोलेटेड प्लेसेस में कहाँ हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। मैदानों में ही नहीं पहाड़ों पर भी आफत की बारिश हो रही है। पूरे उत्तराखंड और हिमाचल में पिछले 24 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है, इससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में भारी बरसात से कई जगह चट्टानें तरकने लगी हैं। हाईवे पर चट्टानें गिरने से जगह जगह मुसाफिर फंसे हैं। नदियों में बाढ़ आ गई है, नदियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, रास्तों पर चट्टाने गिरने से कई गांव कट गए हैं। पिछले 24 घंटे में हरिद्वार में 78 मिलीमीटर, देहरादून
33 मिलीमीटर, उत्तरकाशी 27 मिलीमीटर, टिहरी गढ़वाल 26 मिलीमीटर यहां बारिश रिकॉर्ड की गई है। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश ने चारधाम यात्रियों का रास्ता रोक दिया है। सोनभद्र में केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। बारिश से रास्ते में कई जगह हाईवे का हिस्सा पानी में बह गया है। हिमाचल प्रदेश में भी मॉनसून के घने बादल बरस रहे हैं। भारी बारिश से शिमला से कालका जाने वाली रेल लाइन पर गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पानी भरने के बाद इस रास्ते से गुजरने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। लैंडस्लाइड से रास्ते और हाईवे पर मुसाफिर फंसे हैं। कुल्लू में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश के पानी में कई जगह गाड़ियां डूब गई हैं, तो कई जगह चट्टाने गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। सर, 1:30 बजे की टाइम थी तो बड़ी आवाज आई नाले की, बड़ी नाले की आवाज आई। हम सोए थे तो आवाज आई, तब हम उठे, हम जागे तो कुछ गाड़ियां कोई गिर रही थी, कोई पड़ रही थी नाले के पास। हाँ, ऊपर से पानी आया, एकदम एक साथ आया पानी ऊपर से। रात को कोई 8-10 गाड़ियां थी कुछ, तो रात को हम उठे, फिर काफ़ी लड़के भी इकट्ठे किए हमने, वो जैसी है मंगाई कुछ के कुछ किया, कुछ निकाली भी गाड़ियां, कुछ टूट फूट भी, कुछ नुकसान भी हुआ, 7-8 गाड़ी नुकसान भी हुआ है, कोई कंप्रेसर और रेड़े वो भी चले गए, ऐसा सा हुआ सर। पूरे देश में मॉनसून ने जोर पकड़ लिया है। बे ऑफ बंगाल में बने लो प्रेशर एरिया से अगले 24 घंटे बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा के 13 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में संबलपुर में 171 मिलीमीटर और अंगुल में 152 मिलीमीटर बारिश हुई है। असम के 19 जिलों में बारिश का पानी भरा है। यहां बाढ़ में 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। सैकड़ों गांव पूरी तरह से बाढ़ में डूब गए हैं। लोगों के पास न रहने को घर है, न खाना है, न पानी है। उस पर लगातार हो रही बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।